गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आप लोग पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने आपको पेरीमीटर के फार्मूले भी करा दिए थे और एरिया के भी करा दिए थे, आपने लिख लिए होंगे और याद कर लिए होंगे। आज हम उस पेरीमीटर और एरिया के सवालों को कर रहे होंगे। जैसे 12A में आप पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये फिगर बना है आपकी किताब में, इस फिगर से हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। वैसे तो ये हेक्सागोन है, छह साइडें हैं, लेकिन हमें हेक्सागोन हेप्टागोन ऑक्टा से मतलब नहीं है, हम ये देख रहे हैं ये फिगर है। अब फिगर में हम पहले क्या करते हैं, हम इसके नामों को नोट करते हैं। आप ए बी सी डी कहीं से नाम डाल सकते हैं। अब जैसे देखिए, हमने ए डाल दिया तो बी इधर कर दिया, तो सी इधर, डी इधर, ई एफ। आप यहां से भी ए डाल सकते हैं, यहां से भी ए डाल सकते हैं, लेकिन चलेंगे आप क्रम से ए बी या ए बी सी, ऐसे चलेंगे। तो आपको क्रम से चलना है और कुछ नहीं। अब जैसे ए यहां कर दिया, बी यहां कर दिया, सी यहां कर दिया, तो वो गलत तरीका हो जाएगा। वैसे गलत तो नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। तो अब हमारे पास फिगर है, तो हम यहां पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फिगर। अब ये फिगर का क्या नाम है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, वैसे ये हेक्सागोन है, हमने फिगर लिख के छोड़ दिया। अब क्या क्या हम जोड़ेंगे, तो हम लिख सकते हैं ए से बी वाली लाइन, ए बी इसको प्लस करेंगे, फिर बी सी इसको प्लस करेंगे, फिर सी डी, फिर डी ई, फिर ई एफ, फिर एफ ए। तो हम यहां नाम देख लेते, पहले लाइन हमारी कितनी है, एक दो तीन चार पांच छह, तो छह वाली नाम लिखा है कि नहीं, एक दो तीन चार पांच छह लिख दिया है। अब हम इसका क्रम से लिखते हैं, ए से बी हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो हम 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं, बी से सी तक 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर लिख देते हैं, सी से डी 4 है तो 4 सेंटीमीटर लिख देंगे, अब डी से ई 3 है तो 3 सेंटीमीटर लिख देंगे, अब ई से एफ 3 है तो 3 सेंटीमीटर लिख देते हैं, अब ऐसे ही एफ से 4 तो 4 सेंटीमीटर। अब हम इनका टोटल करते हैं, टोटल करते कैसे, 5 3 8 8 4 12 12 3 15 15 3 18 18 में 4 जोड़ दिए 22 सेंटीमीटर। तो अब इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया, पेरीमीटर ऑफ फिगर, इस तरह हमारा 22 सेंटीमीटर आ गया। ऐसे ही आप अगला फिगर है, अगले फिगर में भी आप जैसे ये वाला है तो आप ए बी सी डी डाल लेंगे और उसको प्लस कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है, ग्रुप बना है, तो ग्रुप में आपको देखना है कितने ग्रेड बने हैं, तो उसके पेरीमीटर गिन लेंगे और हो जाएगा। जैसे ई में गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गई, ऐसे इसके फिगर गिन लेंगे। तो ये कुछ नहीं है, ये आप ना करें तो अच्छा ही है। ऐसे यूज द रूलर, अब पैमाने से इनकी सेंटीमीटर नाप लें और कर लें, इसका पेरीमीटर कर लें। अगर कर सकते हैं तो करें, और नहीं कर सकते हैं तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन चौथे क्वेश्चन में जरूर करेंगे, चौथे क्वेश्चन में देखो क्या है, फोर्थ क्वेश्चन का हम ए वाला पार्ट दे रहे हैं। जैसे कि ये पिक्चर बना है और यहां पर लिखा है 6 सेंटीमीटर, यहां पर लिखा है 4 सेंटीमीटर, यहां पर क्वेश्चन मार्क है और यहां पर 3 सेंटीमीटर लिखा है, और इसका पेरीमीटर जो लिखा है वो 22 सेंटीमीटर। अब
ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। तो अब ये क्वेश्चन की साइड निकाल लेंगे। अब इसमें ए भी नहीं लिखा है तो आप अपना ए भी लगा लीजिए। जैसे देखो ए बी सी डी। अब इस फिगर का पेरीमीटर आपको मालूम पड़ गया, तो पेरीमीटर और फिगर कितना लिखा है तो क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ फिगर। वैसे तो हमारा ये फिगर चार साइड का है, तो फिगर में हम पेरीमीटर कितना लिखते हैं, 22 सेंटीमीटर इतना लिख दिया। तो अब हमें इन साइडों को प्लस करना है, जैसे अभी किया हमने ए बी बी सी सी डी और डी ए इज इक्वल टू पेरीमीटर। ये चीज आ गया हमारा। अब ए भी हमको पता नहीं है तो हम इसको ए बी ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। अब पेरीमीटर हमको पता है 22 सेंटीमीटर। अब इनको हम प्लस कर दें तो ये तो वैसे ही कर पाएंगे आप, ए बी वैसे छोड़ दिया। अब इनको जोड़ दें, 4 में 6 जोड़ा 10, 10 में 3 जोड़ा 13 और ये वैसे ही लिख दिया। अब देखो ये 13 प्लस कर रहा है तो उधर ट्रांसफर करेगा तो माइनस कर देगा, ये माइनस कर दिया तो 22 में से 13 को माइनस करेंगे तो 12 माइनस 9 3 इज इक्वल टू 9। तो ए की हमारी ये वैल्यू ये वाली आ गई 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसको सवाल को करेंगे। ऐसे ही अगला वाला सवाल भी है इसी का। तो अब ये एक्सरसाइज आपकी 12A खत्म हो गई। तो आपको A12A में पूरे ये सवाल लगाने हैं और फार्मूले याद रखने हैं। इतना काम आपको कंपलसरी करना है।